नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आज का हमारा सवाल 25 बड़ी खबरों में से ही होने वाला है, तो कृपया पूरी खबर को अच्छी तरीके से सुनेगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कई शिक्षकों की नौकरी पर अभी लटकी है तलवार। लोक शिकायत निपटारे के मामले में राजधानी पटना की रैंकिंग में दिखा उछाल। अब जमीन बिक्री कर रहे एजेंटों का निबंधन भी हुआ अनिवार्य। बिहार के 13 स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट में हुई 5 गुना बढ़ोतरी। एक इनिंग और 25 रन से भारतीय टीम को मिली जीत। अब चले जानते हैं खबरों को विस्तार में। संघ लोक सेवा आयोग ने निकाली रिक्तियां। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने भारतीय वन सेवा परीक्षा 2021 के 110 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और जियोलॉजी के किसी एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री या कृषि वानिकी या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 24 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में 4 IAS अफसर समेत बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारी स्थानांतरित। बीते दिन बिहार के 4 IAS अधिकारी समेत बिहार प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। भवन निर्माण विभाग के विशेष सचिव सतीश कुमार सिंह को, नगर विकास एवं आवास विभाग संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा को, सामान्य प्रशासन विभाग का विशेष सचिव अनिमेश कुमार पराशर को, राज्य स्वास्थ्य समिति का अपर कार्यपालक निदेशक करुणा कुमारी को राज्य स्वास्थ्य समिति से स्थानांतरित कर अपर सचिव कला संस्कृति विभाग में पद स्थापित किया गया है। वहीं बीते दिन 11 जिलों में पंचायती राज पदाधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अब इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के लिए देना होगा अधिक पैसा। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने प्लेटफॉर्म टिकट पर 3 गुने की बढ़ोतरी की थी, वहीं बिहार के 13 स्टेशन पर अब 5 गुना प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए ₹50 देने होंगे। बता दें कि कोरोना काल के दौरान प्लेटफॉर्म टिकट मिलना बंद हो गया था, जिसकी शुरुआत हो गई है। पहले प्लेटफॉर्म टिकट का दाम मात्र ₹10 में था, जिसकी राशि अब बढ़ाकर ₹50 कर दी गई है। ये व्यवस्था अस्थायी है, जिसके बाद पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना साहिब, बख्तियारपुर, बाढ़, बक्सर, आरा, मोकामा, जहानाबाद, बिहार शरीफ और राजगीर स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए ₹50 देने होंगे। शेखपुरा के मठोगढ़ देह में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेखपुरा जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम एवं शेखपुरा सराय प्रखंड से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित मठोगढ़ देह तालाब अपनी पवित्रता एवं रमणीयता के कारण एक अलग स्थान रखता है। टाटा नदी का किनारा और पहाड़ी इस क्षेत्र के अनुपम रूप में 4 चांद लगाते ही है। साथ में गौतम बुद्ध द्वारा यहां अपने शिष्यों को उपदेश देने के कारण इस पवित्र स्थान का अपना एक अलग महत्व है। इस तालाब के निर्माण के संबंध में तरह तरह की किदंतियां प्रचारित है। कुछ लोग इसे द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के भ्राता बलराम के आदेश पर ग्वाला वालों द्वारा खुदवाया मानते हैं। कुछ लोग इसे महाबली भीम द्वारा खुदवाया बताते हैं। लोक शिकायतों के निपटारे में राजधानी पटना की सुधरी रैंकिंग। ईज ऑफ लिविंग के आंकड़े में पटना की रैंकिंग में हुए सुधार के बाद अब लोक शिकायतों के निपटारे में भी राजधानी पटना की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है, जिसके तहत लोक शिकायत के निपटारे में पटना जिले की स्थिति पिछले 2 महीने में काफी सुधरी है। इसके चलते दिसंबर 2020 में 34वें स्थान पर रहा पटना जिला फरवरी 2021 में ऊपर उठकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है। यही नहीं, लोक प्राधिकार यानी कि संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति में भी सुधार आया है। लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम से संबंधित अनुमंडल समीक्षा बैठक के बाद डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2021 में जहां लोक प्राधिकारों की उपस्थिति 83% थी, वो मार्च 2021 में बढ़कर 86% हो गई है। पेट्रोल डीजल के बाद अब बिहारवासियों को झेलनी पड़ सकती है बिजली बिल की मार। पेट्रोल डीजल के बाद अब बिहारवासियों को झेलनी पड़ सकती है बिजली बिल की मार। अब बिहारवासी महंगे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम के सदमे से अभी तक उभरे नहीं थे कि बिहारवासियों को बिजली बिल का बोझ भी उठाना पड़ सकता है, जिसके तहत मिली जानकारी के अनुसार बिहारवासियों को अगले महीने से बिजली के लिए ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रस्ताव को यदि बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग मान लेता है तो उपभोक्ताओं पर एक और बड़ा बोझ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। खबरों की माने तो साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को दे दिया है। यह बढ़ोतरी 9-10% तक संभव है। प्रस्ताव को लेकर विद्युत विनियामक आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बिहार के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नहीं होगी शिक्षकों की कोई कमी। बिहार के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए ही उनकी नियुक्ति का काम शुरू होने वाला है, जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन और पुस्तकालय सहायक के रिक्त पदों को भरा जाएगा। सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति आयोग के माध्यम से कराएगी, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने भी घोषणा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद पर यूजीसी की योग्यता प्राप्त रहने की स्थिति में यूजीसी के प्रावधानुसार शिक्षक के समतुल्य श्रेणी के पद है। जल्द ही योग्यता के अनुसार नियुक्ति का काम किया जाएगा। विमेंस डे के मौके पर बिहार की महिलाओं को मिलेगा टीके का तोहफा। कोरोना के माहौल के बीच सोमवार को पूरी दुनिया में महिला दिवस जोर शोर से मनाया जाएगा। वहीं बिहार में महिला दिवस को लेकर महिलाओं के लिए खास तैयारी की जा रही है, जिसके तहत अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को राज्य की 1,00,000 महिलाओं को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है, जिसकी आधिकारिक घोषणा खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने बिहार में कोरोना के आंकड़ों का भी जिक्र किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बेहतर काम से ही कोरोना पर नियंत्रण के मामले में बिहार का स्थान देश में पहले से तीसरे स्थान पर है। यहां रिकवरी रेट 99.28% है। बिहार सरकार ने की रोजगार परक शिक्षा की पहल। बिहार सरकार ने अब रोजगार परक शिक्षा की पहल की शुरुआत करने की बात कही है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों में 7 विषयों की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसको लेकर राजभवन की तरफ से भी सहमति मिल चुकी है। इतना ही नहीं, इस बाबत कुलपतियों से भी जानकारी साझा करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही कुलपतियों से जानकारी देने को कहा गया है कि जो कोर्स शुरू होंगे उसको लेकर क्या तैयारी है, इसकी रिपोर्ट 31 मार्च तक पहले उपलब्ध करवाएं। स्नातक स्तर पर टूर एंड ट्रेवल्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ग्रामीण विकास प्रबंधन, मानवाधिकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के कोर्स शुरू किए जाएंगे। बिहार में भगवान राम का काम अटका केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में। बिहार में भगवान राम से जुड़े दर्शनीय स्थलों को रामायण सर्किट के जरिए जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना 2 साल से अटकी पड़ी है। राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत रामायण सर्किट के विकास के लिए फरवरी 2019 में ही 67.33 करोड़ रुपए का DPR तैयार कर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया था, जिसकी स्वीकृति की सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि अब इसको लेकर राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने एक बार फिर केंद्रीय पर्यटन मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि पिछले साल दिसंबर में भी विभाग के द्वारा पत्र लिखकर योजना स्वीकृति के लिए केंद्र को स्मारित किया गया था। देश में पहली बार आयुर्वेदिक औषधियों का होगा बिहार में एनिमल ट्रायल। राजधानी पटना में और देश में पहली बार जानवरों पर आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अब से जो भी औषधि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में तैयार की जाएगी और इसका जानवरों पर प्रयोग बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा। देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब MOU प्रोटोकॉल के साथ इंसानों की आयुर्वेदिक दवाओं का जानवरों पर प्रयोग कर इसका असर जांचा जाएगा, फिर इंसानों पर इस दवा का प्रयोग होगा। आयुर्वेदिक कॉलेज का कहना है कि प्रयोग नहीं हो पाने के कारण ही औषधि का निर्माण नहीं हो पा रहा था। इस दिशा में काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। काफी प्रयासों के बाद अब जाकर इसकी अनुमति मिली है। बिहार में इन शिक्षकों की नौकरी पर अभी लटकी है तलवार। बिहार में 37,000 STET अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता भले ही साफ हो गया हो, मगर अभी भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति पर तलवार लटकी हुई है, जिसके तहत इस रडार में वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने इंटर में 50% से कम अंक हासिल किए हैं और ट्रेनिंग नहीं लिया है। इन्हीं शिक्षकों को लेकर केंद्र सरकार का ऐसा निर्देश भी है कि किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में नहीं रखना है। वहीं इस मामले को लेकर अब बिहार का शिक्षा विभाग भी गंभीर दिख रहा है और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के +2 के प्रमाण पत्र को जारी करने की मांग भी की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में भारी संख्या में ऐसे शिक्षक देखने को मिले हैं जिन्होंने NIUS से DLED की पढ़ाई की है। पेंडिंग FIR के लिए अब थानेदार की लगाई जाएगी क्लास। अक्सर पुलिस की जांच की प्रक्रिया में आम नागरिक परेशान नजर आते हैं। कई बार ऐसी शिकायतें सुनने में आती है कि आपने अपनी शिकायत तो दर्ज करवा दी है, मगर आपके द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत का समाधान नहीं हो सका है। लेकिन अब आपको इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी पुरानी FIR पर जांच लंबे समय से ठप पड़ी है तो निर्धारित समय पर आप SP ऑफिस पहुंच जाए। यहां DSP के साथ SP की मौजूदगी में थानेदार भी मिल जाएंगे। एक ही रूम में अफसरों का आमना सामना थानेदारों से होगा और लंबित मामलों में तेजी आ जाएगी। इतना ही हर दिन निर्धारित समय पर थानेदारों की क्लास भी लगाई जाएगी। अब जमीन बिक्री कर रहे एजेंटों का निबंधन भी हुआ जरूरी। रेरा द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन हो रहा है। राज्य में गलत तरीके से जमीन बिक्री और अपार्टमेंट बनाने की समय सीमा समाप्त हो जाने पर भी नहीं सौंपे जाने की शिकायत लगातार सामने आ रही है, जिसके निवारण के लिए ही भू संपदा परियोजनाओं, भवनों और प्लांटिंग जो 500 वर्ग मीटर से ऊपर के भू क्षेत्र पर निर्मित होनी है उसके लिए रेरा से निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही झूठ बोलने वाले और लोभ प्रलोभन देने वाले एजेंटों पर भी नकेल कसने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत आवासीय और व्यावसायिक बहुमंजिला इमारतों के साथ साथ जमीन की बिक्री में लगे एजेंटों का निबंधन भी अनिवार्य कर दिया गया है।
राजधानी पटना में अब बाइकर्स गैंग की होगी छुट्टी। बाइकर्स गैंग ने बिहारवासियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। हालांकि अब इस गैंग पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत इस मामले को लेकर सिटी एसपी विनय तिवारी ने कहा है कि जल्द ही बाइकर्स गैंग पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। हालांकि कुछ समय पहले इन गैंग्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इन लोगों को पकड़ने पर और इनके कामों पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। हालांकि अब इन बाइकर्स गैंग के बढ़ते मनोबल को तोड़ने के लिए सेंट्रल एसपी विनय तिवारी ने एक रणनीति के तहत पटना के 20 जगह को चिन्हित किया है। सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी का कहना है कि जल्द ही इन बाइकर्स गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी। 15 मार्च तक बिहार वासियों के छूटेंगे पसीने। बिहार में बसंत ऋतु ठीक से गई नहीं थी कि गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। इस साल की गर्मी कितनी तीव्र होने वाली है, इसका प्रमाण फरवरी महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिली थी। अब वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 15 मार्च तक गर्मी का ऐसा ही सितम देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से ऐसे ही पूर्वानुमान को बेहतर करने के उद्देश्य से अभी से तैयारी शुरू हो गई है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में इसकी स्थिति आ सकती है। धूल भरी आंधी का प्रभाव राज्य के कई हिस्सों में दिखेगा। 7 मार्च से सूबे में पूर्वा के बहने के संकेत भी मिल रहे हैं। इसके प्रभाव से न्यूनतम पारा आंशिक रूप से ऊपर चढ़ेगा, जबकि राज्य के दक्षिणी भाग में कुछ जगह पर मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है। बिहटा एनएसएमसीएच मेडिकल कॉलेज का हुआ उद्घाटन, राजधानी वासियों के लिए अहम सूचना। बिहटा के अमहारा में एनएसएमसीएच के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया गया है। मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे, उन्होंने ही इस कॉलेज का उद्घाटन किया है। मिली जानकारी के अनुसार उद्घाटन के समय बिहार विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, चेयरमैन एमएम सिंह सहित कई लोग शामिल हुए थे। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना का निजी क्षेत्र का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। इसी साल से यहां एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हुई है। अब यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी रिलीज होगी पवन सिंह की यह फिल्म। राम शर्मा फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली फिल्म पावर स्टार पवन सिंह, अंजना सिंह और डिम्पल सिंह स्टारर भोजपुरी फिल्म हमारा स्वाभिमान की शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग प्रतापगढ़ में शुरू हो गई है। इस फिल्म के निर्माता भारतीय मूल के पोलैंड निवासी एनआरआई राम शर्मा है, जिन्हें इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। राम शर्मा ने इस बाबत बताया है कि इस फिल्म को हिंदुस्तान के अलावा पोलैंड और लैटिन अमेरिका में भी प्रदर्शित करूंगा और वहां की स्थानीय भाषा में डब कर रिलीज करूंगा। बतौर निर्माता उन्होंने कहा है कि फिल्म हमारा स्वाभिमान से पोलैंड और भोजपुरी संस्कृति का एक्सचेंज होगा। तेजस्वी यादव का अहम मुद्दा, बंगाल चुनाव लड़ना नहीं बल्कि भाजपा को हराना है। कहते हैं चुनाव में कोई भी दल जीतने के इरादे से मैदान में उतरती है, मगर बिहार की राजनीति के सभी बड़े पार्टी का कुछ और ही मानना है। बंगाल चुनाव समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं चुनाव में बिहार की भी कई पार्टियां मैदान में उतरने वाली है। इसी क्रम में राजद भी टीएमसी के साथ गठबंधन में बंगाल में उतरने वाली है। हालांकि चुनाव में उतरने के असल इरादे के बारे में अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बात पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की नहीं है, पार्टी का लक्ष्य भाजपा को चुनाव में हराना है। इतना ही नहीं, इस दौरान तेजस्वी ने लालू यादव की सेहत को लेकर भी बयान दिया है और कहा है कि दिल्ली में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुकेश सहनी के भाई के कार्यक्रम में शामिल होने पर नीतीश कुमार ने फिर दी सफाई। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी के एक सरकारी कार्यक्रम में अपने भाई को भेजे जाने का मामला बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में गरमाया रहा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब जाकर अपना स्पष्टीकरण एक बार फिर से पेश किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, उन्हें बस अपने इस काम के प्रभाव का कोई अंदाजा नहीं था। कभी कभी किसी व्यक्ति को हर चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, उन्हें इसके बारे में समझाया गया है, उन्होंने महसूस किया है कि यह एक गलती थी। आपको बता दें कि इस बाबत मुकेश सहनी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया भी था। 41 नेताओं ने रालोसपा से दिया इस्तीफा। बिहार में दल बदल की राजनीति देखने को मिलती ही रहती है। वहीं इसी क्रम में बीते दिन रालोसपा में भी बड़ी टूट देखने को मिली, जिसके तहत महासचिव विनय कुमार के नेतृत्व में 41 रालोसपा नेताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विनय कुशवाहा ने कहा है कि जिस तरह की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा आजकल कर रहे हैं, हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। इस्तीफे के बाद विनय कुशवाहा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, उनकी डील हो चुकी है। 14 मार्च के बाद वो पार्टी का विलय जदयू पार्टी में कर रहे हैं, इसलिए हमने विरोध स्वरूप आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अभी 41 लोगों ने ही इस्तीफा दिया है, सभी जिलों से और लोग जल्द ही पार्टी छोड़ेंगे।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। भारत में 1835 में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव लाया गया। भारत के प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नरी कॉन्ट्रैक्टर का 1934 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारतीय राजनीतिक गुलाम नबी आजाद का 1949 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेता अनुपम खेर का 1955 में भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध संगीतकार रवि ने 2012 में, भारतीय गुरु परमहंस योगानंद जी ने 1952 में और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ नेता गोविंद वल्लभ पंत ने 1961 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। गुजरात में मिली जीत से भाजपा ने बनाई खास रणनीति। बिहार में अप्रैल मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है। गुजरात पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा बिहार में भी खास रणनीति के साथ काम करने का मन बना रही है, जिसको कि पंचायत टू संसद का नाम दिया गया है। इस मॉडल के जरिए भाजपा आगामी चुनाव में प्रमुख पदों पर उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए तैयार है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक भी शनिवार से पटना में शुरू हो गई है। इसमें चुनाव की रणनीति को फाइनल टच दिया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता मतदान की तारीखों की घोषणा से पहले होने वाली इस में भाग ले रहे हैं। एक पारी और 25 रन से भारतीय टीम ने दर्ज की जीत। भारत और इंग्लैंड के बीच बेहद ही रोमांचक अंदाज में आखिरी टेस्ट मैच समाप्त हो गया, जिसके बाद भारतीय टीम ने इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम दर्ज कर लिया। बीते दिन खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय टीम एक पारी और 25 रन से यह सीरीज जीतने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई हो गई है, जहां पर भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है। आपको बता दें, भारतीय टीम को मिली इस जीत में पहले ऋषभ पंत की शतकीय पारी और दूसरे दिन गेंदबाजी में अक्षर पटेल और अश्विन की साझेदारी ने जीत में अहम भूमिका निभाई है, जहां भारत की तरफ से दूसरी पारी में अक्षर पटेल और विचंद्रन अश्विन ने 5-5 विकेट झटके। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,510 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,510 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.52 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 86.57 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, रवि कुमार, दीपक कुमार, नंदलाल सिंह, शैलेंद्र कुमार, दीपक कुमार, रविंद्र पासवान, अजीत कुमार, धर्मेंद्र कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, नेहा परवीन, शंकर मुखिया, गोविंद कुमार गुप्ता, दीपा श्रीवास्तव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बीते दिन भारतीय टीम को मिली जीत में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।